नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत। मैं हूं रविकांत, अभी जदयू के प्रवक्ता जिसे मैं अभी बात करूंगा नीरज कुमार जी से, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो अपनी एक अलग राय स्पष्ट किए हैं बीजेपी से अलग। सर, उसके बारे में क्या कहेंगे, जो बीजेपी से अलग राय बार बार नीतीश कुमार अलग रख देते हैं तो बीजेपी वाले? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में वैश्विक विमर्श है। कहीं किसी देश का लिंगानुपात में परिवर्तन होता है, वह चुनौती बनती है। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी भी है, तो हम लोगों ने प्रारंभ से ही बेटियों को शैक्षणिक संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई और बेटियों के सशक्तिकरण में बिहार मॉडल स्टेट बना और प्रजनन दर नियंत्रित होता गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल में अंतर विरोध की जो लोग बात कर रहे हैं, तो ये तो भाई सकारात्मक चीज है ना। इससे कौन इनकार करेगा कि धर्म और जाति के आधार पर जनसंख्या की नीति नहीं तय की जा सकती है। जब भी तय किया जाएगा तो जो हमारे संसाधन हैं और उसके अनुपात में जो बिहार में जो वातावरण है, शैक्षणिक संवर्धन, शैक्षणिक प्रसार की योजनाएं, तो हम तो ये आंकड़े गवाह हैं। ये आंकड़े बिहार सरकार के आंकड़े नहीं हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। वो बता रहा है कि जनसंख्या दर हमारा लगातार नियंत्रित होता जा रहा है। प्रजनन दर हमारे लिए चुनौती था, लेकिन जो ही हमने बेटियों का सहयोग मिला तो स्वाभाविक रूप से हम एक नई दिशा की ओर बढ़े। इसलिए कोई अंतर विरोध नहीं है इस सवाल पर। एक दशक में जो जनसंख्या की जो संख्या है वो तो घटती है, मगर ज़्यादा तेजी से नियंत्रित करने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत क्या है भाई। अब किसी चीज़ को समझने की आवश्यकता, बहुत लोग आजकल शराबबंदी पर प्रवचन कर रहे हैं भाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस बात को के बारे में कहा तो नहीं ना समझे आज तक, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की बात कब से प्रारंभ की जा रही है। इसलिए ये विरोधाभास नहीं पैदा करना चाहिए। मूल विषय यह है कि शैक्षणिक संवर्धन से, मैं पूछता हूँ कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज में संपन्न लोग हैं, उनके कितने बच्चे होते हैं? चूँकि उनमें चेतना है, उनका शैक्षणिक स्तर ऊँचा है, इसलिए इसको इस रूप में देखना चाहिए कि रोग का इलाज कीजिए, रोगी के बारे में तरह तरह की बात नहीं करनी चाहिए। पर बीजेपी वाले लोगों का कहना है कि हम अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे, इसको कानून में लागू जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं वो जगह कर रहे हैं, तो बिहार में भी ये मांगे बढ़ा रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक दल है ना भाई, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी है ना हमारी, और जब हमने बेटियों के शैक्षणिक संवर्धन के लिए जो योजनाएँ चलाई जिससे प्रजनन दर नियंत्रित हमारा लगातार हो रहा है, तो उसका श्रेय भाजपा नहीं लेगी? लेगी ना भाजपा श्रेय? तो ये तो बिहार का बेस्ट फॉर्मूला है भाई, ये अडॉप्ट हमने किया और इसका नतीजा भी सामने दिखाई पड़ रहा है। कानून का तो बाद में नतीजा नजर आएगा, ये तो सामने में दिखाई दे दिया कि बेटियों का शैक्षणिक संवर्धन किया, उसके बेहतर परिणाम आए। एक सवाल और चल रहा है सोशल साइड हो या तमाम चीज़ों पर, कि नीतीश कुमार जी जनसंख्या नियंत्रण को जागरूकता से करना चाहते हैं, तो शराबबंदी पर आपने अभी कहा ही, तो शराबबंदी को भी जागरूकता से करने की बात कर रहे हैं आम लोग, जो सोशल साइडों से जो सवाल निकल कर रहा है। तो देश दुनिया में कहाँ 5 करोड़ लोग खड़ा हुआ था ह्यूमन चेन में? जो लोग प्रवचन करता है उनसे हम पूछते हैं कि दुनिया में उदाहरण दीजिएगा भाई। केवल कानून से नहीं, बातों को तोड़ना नहीं चाहिए। दहेज विरोधी कानून तो बना हुआ है, बाल विवाह निषेध है, बाल श्रम अपराध है, सब कानून बना हुआ है ना, तो क्यों इसके लिए जन जागरूकता फैलाया गया भाई? जन जागरूकता से उसका सामाजिक प्रभाव बढ़ता है, इसलिए 5 करोड़ लोग, साधारण नहीं, 5 करोड़ लोग, कितने सरकारी कर्मी हैं जो कहता है कि सरकार इसमें शामिल है? सरकार के कितने कर्मी हैं? 5 करोड़ सरकार में, बिहार में कर्मी हैं लोग। इसलिए ये मुद्दों को भटकाना नहीं चाहिए। मूल विषय यह है कि जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं उसका प्रभाव होता है, उसका प्रभाव जब दिखाई पड़ने लगता है तो चीज़ों तथ्यों को सही तरीके से पेश करना चाहिए। एक सवाल और है, चिराग पासवान से जुड़ा हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हुई बातें हैं, उनको लगातार तेजस्वी हों या कांग्रेस हों अपने पाले में लाना चाह रहे हैं, मगर जदयू ने और नीतीश कुमार पर काफ़ी आरोप लग रहा है कि उन्होंने पार्टी और परिवार दोनों को तोड़ा है। हम लोग काहे के लिए तोड़ेंगे भाई, उनका उनका दल का आंतरिक मामला है ही, उसमें जनता दलियों की भूमिका क्या है? जनता दलियों ने लिख करके दिया लोकसभा अध्यक्ष को कि हम अलग मान्यता हमको दे दीजिए, जनता दलियों की भूमिका है। अरे वो दल के अंदर में माननीय सांसदों ने यह समझ लिया कि तेजस्वी यादव जो राघोपुर से जीत करके आज विपक्ष के नेता बने हुए हैं,
वह चिराग पासवान जी के स्नेह और अपरोक्ष सहयोग का परिणाम है। तो समझ गए वो लोग कि खा रहे हैं कहीं, गा रहे हैं कहीं, इसीलिए पार्टी टूटी। आज एक मंत्री ने चुनौती दी है आशीर्वाद यात्रा में चिराग पासवान को, जो निर्दलीय विधायक रहे हैं। अब वो मैं नहीं जानता हूँ कौन क्या बोलते, लेकिन मूल विषय यह है हम लोग सात निश्चय पर काम कर रहे हैं पार्ट टू पर, अब कोई सत्ता के लिए गठजोड़ निश्चय पर कर रहे हैं, करते रहे। चलिए ठीक है, ये बात कर रहे थे जदयू के प्रवक्ता से, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। तमाम पॉलिटिकल अपडेट सुनाते रहेंगे, झकास भारत देखते रहिए। धन्यवाद।